क्यों, आप क्या कर रहे हो उधर? हाय बेबी, से हेलो टू एवरीबॉडी। यू विल ओनली बैग योर टेल बेबी। ये से हाय, हाय ऑल। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? हेल्थ अपडेट डे 4। बहुत बड़ा वायरस है भाई, मेरे जैसे डिसिप्लिन व्यक्ति को भी ये इतना, सिर्फ ओनली रेस्टिंग वॉचिंग मंत्रा बस। आज कुछ होने वाला है व्लॉग में, तो देखते रहिए। सरप्राइज। कौन आया? हेलो नानी, कौन आया? दूर दूर से, क्योंकि मुझे वायरल है। आ जाओ। कौन आया नानी? उधर हाय बोलो, इधर आके हाय बोलो। हाय। तो ये हाय हमारा सरप्राइज, आज मम्मी आई है मिलने के लिए, लेकिन हम गले में भी लेंगे क्योंकि मुझे है वायरस। ओके, तो अब उनको अच्छा अच्छा कुछ बना के खिलाते हैं। ओके, ये मैंने लिए है चिया सीड्स। चिया सीड्स के बारे में आज आपको बता ही दिया है मैंने, तो इसको मैंने सूप कर दिया है अलग से। इसको सूप करना होता है, भूलेंगे तभी आप खाएंगे, तो ये आपको अच्छे से अब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा डेजर्ट जो बहुत भरपूर है प्रोटीन से। तो सबसे पहले हमने चिया सीड लेके उसको सूप करके रखना है, और फिर मैंने लिया है एवोकाडो और ब्लूबेरीज, और प्लेन योगर्ट है, शुगर वाला नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं वही मीठी तुलसी यूज़ करती हूँ। तो ये हम इस तरह से इसको बनाएंगे कि पहले मैंने सोक करके रख करने के लिए रख दिया है चिया सीड 2 चम्मच, क्योंकि आज आपने देखा मम्मी आई है और भी कोई आने वाला है, तो मैंने सोचा अच्छी चीज़ें बनाऊं। ड्राई फ्रूट्स भी मैंने लिए हैं इसमें, अखरोट और थोड़ा काजू और बादाम, वो भी कट करके लिया है। तो मैं ये ब्लूबेरीज को धोकर मैंने अभी इसे कट कर रही हूँ। तो ये इन चीज़ों को फिर आप लेयर वाइज डाल सकते हैं, चिया सीड्स, योगर्ट, एवोकाडो, ब्लूबेरीज। एवोकाडो में पोटेशियम है बहुत मात्रा में, जो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और ब्लूबेरीज में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है हमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। विटामिंस भी बहुत होते हैं ब्लूबेरीज के, बहुत सारे फायदे हैं, और योगर्ट के भी बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि वो प्रोबायोटिक है, यानी आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है। चिया सीड में ओमेगा फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन ट्रिपल मात्रा में है, जो किसी और चीज़ से आपको मिल सकता है। तो वेज खाने वाले लोगों के लिए चिया सीड एक वरदान है, वो ऑल इन वन, मतलब, लेकिन उसको पानी में डाल के ना इसे सोक करके रखना पड़ता है, देन यू कैन मेक अ डेजर्ट लाइक दिस। मैंने ब्लूबेरी किया है, आपके यहाँ जो भी सीजनल फ्रूट है आप डाल दीजिए उसमें। एवोकाडो तो अपने देसी भी मिलते हैं, वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक एवोकाडो में उतना पोटेशियम होता है जितना 12 बनानास में, तो बनानास में तो शुगर भी होती है। तो ये योगर्ट मैं यूज़ करती हूँ प्लेन, क्योंकि मैं वैसे भी लो कार्ब खाना खाती हूँ, और मैं अपना मिक्स करूँगी हमारी मीठी तुलसी उसमें ना, वन बाय वन सारी चीज़ें मिक्स करेंगे हम। एंड आई होप आपको ये डिश पसंद आएगी, बनाइएगा ज़रूर, और चिया सीड ज़रूर ऑर्डर कीजिए। Thank you.
गधी वीडियो अनबॉक्सिंग करते हैं। आज मेरा माइक ने मुझे बहुत तंग किया, बार बार धोखा तो क्या क्या आया है देखते हैं। ये है NAOQ नॉक 19 श्री श्री की। ये खा खा के ना मैं ठीक हो रही हूँ। ये वायरल को पूरी तरह से ख़त्म करता है, तो एंटीवायरल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जो बॉडी एक फीवर होता है ना उसमें बहुत अच्छा असर देता है। ये छोटू सा क्या आया है, ओ वाओ। ला ला ला, ये है छोटी छोटी बाहर से प्रेस करने वाली नथ नाक की, बहुत पसंद आती है सबको। मेरी दोस्त को भी पसंद आई थी उस दिन जब मैं गई थी, लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था। तो ये है, वो दिखा रही हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। तो अपने माइक को मैंने रखा है चार्जिंग पे और मैं दे रही हूँ ये वॉइस ओवर। कैसे लग रहा है, अच्छा लगता है ना। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ये मुझे कुछ 199 में मिली है 8-10 नथ। तो अब जो भी आएगा जिसे बोलेंगे ये चाहिए तो ले लो भाई, अच्छा सा छोटू सा गिफ्ट है ना, मस्त वाला। ये क्या आया है अभी, ये डब्बा टाटा। क्या है, आहा, ये आया है पीस का खाना। हाय फ्रेंड्स, तो आज वेंसडे हो गया है, फाइनली मुझे एंटीबायोटिक भी शुरू कर देना पड़ा। तो ये वायरस बहुत खतरनाक है, क्योंकि वायरस क्या होते हैं कि म्यूटेट होते रहते हैं हर बार, तो वो अलग अलग तरीके से आते हैं। जबकि मैं इतना डिसिप्लिन रखती हूँ, पर सो माई टॉप 5 एडवाइजेस मैंने फेसबुक पे भी कहा था कि रेस्ट कीजिए और वाइटामिन डी का 60,000 इंटरनेशनल यूनिट। चार माइक ही बंद हो गया। तो मैं कह रही थी कि विटामिन डी RESH रेस्ट की 4 गोलियां एकदम से ले लीजिए, रेस्ट कीजिए पूरी तरीके से और डॉक्टर के पास जाइए। ज़रूरत पड़े तो एंटीबायोटिक भी शुरू कीजिए, एज ही इसके लिए लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये नज़ला ज़ुकाम फिर खांसी में बदल जाता है। और सीना रेस्ट जैसी दवाइयाँ जो 3 बार दिन में ले सकते हैं, या विकोरिल, मगर रेस्ट कीजिए और इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारा बुखार उतरता है तो पानी के साथ साथ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज़ होते हैं, जिससे हमें कमज़ोरी आती है। तो अच्छा खान पान रखिए, इलेक्ट्रोल जैसी चीज़ें लीजिए, गर्मी भी बढ़ रही है, और आराम कीजिए। आज वेंसडे है मगर देखिए मतलब ठीक ही नहीं हो रहा है, ये सैटरडे से हुआ पड़ा है मुझे, तो इट इज़ ऑल्सो टेकिंग टाइम। तो टेक फुल रेस्ट, लाई डाउन, रिलैक्स। मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने योगा और एक्सरसाइज को, पर मैं बहुत आराम से ही रह रही हूँ, क्योंकि थोड़ा भी चलने से भी घर में ऐसे पसीना आ रहा है, ये आ रहा है। थोड़ा सा करिए, मतलब डोंट बी एकदम इनएक्टिव। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई एम रियली एंग्री विथ माई माइक जो सडनली ही बंद हो गया और ये मेरा चलता रहा। तो ये मेरी एडवाइजेज है और मुझे जल्दी जल्दी ठीक होना है
और अगले व्लॉग में मिलने तक आप अपना ख्याल रखिए। एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ये देखिए कबूतर कैसे पार्टी कर रहे हैं बाहर, दो दो तीन तीन पता नहीं क्या भाई बहन अचानक ही आ जाते हैं, और दो दो गुलाब भी खिले हैं देखिए नीचे, है ना। तो मैंने एक अच्छा सा एक एनवायरमेंट फ्रेंडली विंडो बना रखा है अपने घर को। और अपना ख्याल रखिए। अब मुझे नेक्स्ट हमारा व्लॉग होगा ट्रैवल व्लॉग, ट्रैवल कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं वो आप वेट करते रहिए, देखते रहिए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आई होप आपको पसंद आया जो मैंने बनाया है आज। बहुत ही हेल्दी डेजर्ट है वो, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको अरे जुकाम है ये है वो, तो वो योगर्ट मत खाओ, दही मत खाओ, ठंडा गर्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। गर्मी तो मौसम में इतनी है, तो वो नींबू से और दही से ऐसा सर्दी नहीं होती है। तो डोंट हैव दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, और एंजॉय कीजिए। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने माइक पे यार, आज क्या हो गया, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। तो आई होप यू लाइक द व्लॉग, स्पेशली क्योंकि मेरी फैमिली आई थी, यानी फैमिली के कुछ मेंबर, मम्मी आई थी और मेरी बेटी आई थी। तो आपने तो देख ही लिया कैसी है, उल्लू बना दिया उसने, पोपट बना दिया, और हम पोज मार रहे, वीडियो निकाल दिया। तो ऐसे छोटे छोटे खुशी के लम्हे जीवन को बहुत भरपूर आनंद देते हैं। और हमेशा खुश रहिए और खुशी बांटिए। बहुत सारा जीवन तो हमने जी लिया है, तो बाकी भी जी लेंगे आराम से। बाय बाय।